Hello viewers, this video is about the physicochemical properties and their relation to the biological action of drugs. You are watching this video on my YouTube channel Pharma Academy. Drugs are the chemical substances जिन्हें जब किसी appropriate doses form के रूप में suitable route के through दिया जाता है तो ये chemicals body में अपना physiological action या जो बायोलॉजिकल एक्शन है वो शो करते हैं. देयर आर वेरियस फिजिकोकेमिकल फैक्टर्स एसोसिएटेड और रिलेटेड विद ड्रग मॉलिक्यूल्स विच अफेक्ट और अल्टर द ड्रग्स एक्शन. जब किसी ड्रग मॉलिक्यूल को सूटेबल फॉर्म में एडमिनिस्टर्ड किया जाता है तो ड्रग पहले डिसॉल्व होती है अगर वो सॉलिड फॉर्म में है, या डायरेक्टली एब्जॉर्ब और डिफ्यूज होती है अगर ड्रग लिक्विड या सेमी सॉलिड फॉर्म में है. देयर आर मेनी फिजिकोकेमिकल फैक्टर्स विच आर कंसीडर इम्पॉर्टेंट टू ऑप्टिमाइज ड्रग फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स. दीज फैक्टर्स आर आयोनाइजेशन, सॉल्युबिलिटी, पीकेए दैट इज डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पार्टीशन कोफिशियंट, आइसोमेरिज्म, आइसोस्टेरिज्म, चीलेशन एक्सेट्रा. जब कोई ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है तो वो पहले डिसॉल्व होती है, फिर एब्जॉर्ब होती है, फिर ड्रग मॉलिक्यूल्स की प्रोटीन बाइंडिंग होती है और फिर ड्रग अपना बायोलॉजिकल एक्शन शो करती है. तो यहाँ हम देखते हैं कि कुछ फैक्टर्स जैसे ड्रग आयोनाइजेशन, पीकेए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आइसोमेरिज्म, ये कुछ मेन फैक्टर हैं जो ड्रग के डिसॉल्यूशन यानी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं. इसी तरह डिसॉल्यूशन के बाद ड्रग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से एब्जॉर्ब होती है और इस स्टेप को मेनली अफेक्ट करते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट, लिपोफिलिसिटी, हाइड्रोफिलिसिटी, जिसे हम ड्रग सॉल्युबिलिटी भी कह सकते हैं. ड्रग का आयोनाइजेशन एब्जॉर्प्शन के बाद ड्रग रिसेप्टर से बाइंड करती है जिसमें मेन रोल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, आइसोमेरिज्म का, कॉम्प्लेक्सेशन का. ड्रग रिसेप्टर बाइंडिंग के बाद ड्रग का जो मेन बायोलॉजिकल एक्शन होता है वो शो होता है. नाउ वी विल सी ईच एंड इंडिविजुअल फैक्टर इन डिटेल्स वन बाय वन इन द नेक्स्ट इन द फर्दर वीडियो. तो सबसे पहले बात करते हैं आयोनाइजेशन की. ड्रग आयोनाइजेशन एक प्राइम फैक्टर है जो ड्रग के डिसॉल्यूशन और एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करता है. अनआयोनाइज्ड ड्रग मॉलिक्यूल्स पैसिव डिफ्यूजन से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी जीआईटी से आसानी से एब्जॉर्ब होते हैं. ड्रग का आयोनाइजेशन काफ़ी हद तक डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन साइट के पीएच पर. इसे पीएच पार्टीशन थ्योरी से समझा जा सकता है. इस थ्योरी के कुछ मेन पॉइंट्स इस तरह से हैं कि अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ वीक एसिडिक और वीक बेसिक ड्रग्स ज़्यादा आसानी से एंड रैपिडली एब्जॉर्ब होते हैं. जो वीक एसिडिक और न्यूट्रल ड्रग्स होती हैं वो स्टमक से एब्जॉर्ब होती हैं, इंटेस्टाइन से नहीं या वेरी लेस. वीक बेसिक ड्रग्स मेनली इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती हैं, स्टमक से बहुत कम एब्जॉर्प्शन होता है. जो ड्रग यूज होती हैं उनमें से अधिकतर ड्रग्स या तो वीक एसिडिक या वीक बेसिक ड्रग होती हैं. वीकली एसिडिक्स लोअर पीएच यानी जो स्टमक की पीएच है उस पर अनआयोनाइज कंडीशन में रहती हैं और इसीलिए वो स्टमक से आसानी से एब्जॉर्ब होती हैं रैपिडली. वीक बेसिक ड्रग्स लोअर पीएच यानी एसिडिक कंडीशन में आयोनाइज हो जाती हैं और इसीलिए स्टमक से एब्जॉर्ब नहीं होती या बहुत कम एब्जॉर्ब होती हैं. कुछ बहुत ज़्यादा कम यानी कि वेरी वीक एसिडिक ड्रग्स जैसे फिनाइटोइन और कुछ बारब्यूचुरेट्स, ये सभी पीएच पर अनआयोनाइज रहते हैं, इसलिए पीएच से उनके एब्जॉर्प्शन पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता. किसी भी ड्रग का आयोनाइजेशन डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन साइट के पीएच पर या एब्जॉर्प्शन साइट के डिसॉल्यूशन मीडिया के पीएच पर और ड्रग के डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट यानी पीकेए पर. जैसा अभी हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर वीक एसिडिक और वीक बेसिस.
तो जब इन ड्रग्स को कंज्यूम करते हैं या एडमिनिस्टर किया जाता है तो ये फिजियोलॉजिकल मीडिया जो कि वाटर होता है उससे रिएक्ट करती हैं और आयोनाइज या अनआयोनाइज स्टेट में कन्वर्ट होती हैं। ड्रग्स का आयोनाइजेशन इवेल्युएट किया जाता है बाय कैलकुलेटिंग ड्रग्स PKa यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट। यहां हम देख रहे हैं कि एक ड्रग HA जो अनआयोनाइज्ड एसिडिक ड्रग है, जब ये वाटर से रिएक्ट करेगी तो ये प्रोड्यूस करेगी हाइड्रोनियम आयन जो ड्रग HA का कॉन्जुगेटेड एसिड है और A नेगेटिव आयन जो ड्रग का कॉन्जुगेटेड बेस है आयोनाइज्ड स्टेट में। इसी तरह एक दूसरी ड्रग है जो आयोनाइज्ड एसिडिक ड्रग है BH पॉजिटिव, जब ये वाटर से रिएक्ट करेगी तो प्रोड्यूस करेगी हाइड्रोनियम आयन जो इस ड्रग का कॉन्जुगेटेड एसिड है और B जो इस ड्रग का कॉन्जुगेटेड बेस है अनआयोनाइज्ड स्टेट में। इन रिएक्शंस की Ka वैल्यू होगी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन मल्टीप्लाइड बाय A दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ अनआयोनाइज्ड एसिड, सेम विल बी फॉर द आयोनाइज्ड एसिड। तो PKa होता है माइनस लॉग Ka, यानी जो PKa है वो होगा जो Ka निकाला था उसका माइनस लॉग, और PKa एंड PKb में रिलेशन होता है PKa इक्वल टू 14 माइनस PKb। इस तरह PKa कैलकुलेट करने के बाद किसी ड्रग का आयोनाइज्ड फ्रैक्शन या परसेंटेज आयोनाइजेशन कैलकुलेट किया जा सकता है, लाइक परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ अनआयोनाइज्ड एसिड HA कैन बी कैलकुलेटेड एज 100 अपॉन 1 प्लस 10 टू द पावर PKa माइनस PH। इसी तरह परसेंटेज आयोनाइजेशन आयोनाइज्ड एसिड BH पॉजिटिव के लिए परसेंटेज आयोनाइजेशन इज इक्वल टू 100 अपॉन 1 प्लस 10 टू द पावर PH माइनस PKa। यहां पर जो PH है वो PH है साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन का, जो मीडिया एब्जॉर्प्शन साइट पर प्रेजेंट है उसका। अब हम बात करते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट की। कभी कभी कुछ ड्रग्स आयोनाइज होने के बावजूद भी प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होती हैं, तो इसके लिए काफी कुछ रोल होता है पार्टीशन कोफिशिएंट का। पार्टीशन कोफिशिएंट ड्रग मॉलिक्यूल्स की ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी ड्रग या केमिकल के हाइड्रोफिलिक या लिपोफिलिक नेचर को डिस्क्राइब करती है। जब किसी ड्रग को दो इमिसिबल लिक्विड्स के कांटेक्ट में रखा जाता है तो ड्रग मॉलिक्यूल्स इन दोनों इमिसिबल लिक्विड में अपनी सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। इसे ड्रग पार्टीशनिंग कहा जाता है और इसी के अकॉर्डिंग ड्रग्स की सॉल्युबिलिटी वाटर में और किसी दूसरी ऑर्गेनिक फेस में ऑब्जर्व की जाती है। पार्टीशन कोफिशिएंट एक रेशियो है ड्रग की डिस्ट्रीब्यूटेड कंसंट्रेशन का बिटवीन ऑर्गेनिक फेस अपॉन ड्रग डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वस फेस। जितना ज्यादा पार्टीशन कोफिशिएंट होगा उतनी ज्यादा लिपिड सॉल्युबिलिटी होगी। पार्टीशन कोफिशिएंट से जुड़ी कुछ मेन पॉइंट्स इस तरह से हैं कि ड्रग की डिग्री ऑफ पैसिव डिफ्यूजन ग्रेटली डिपेंड्स ऑन लिपिड सॉल्युबिलिटी। हाई पार्टीशन कोफिशिएंट हायर द लिपोफिलिसिटी एंड हायर द लिपोफिलिसिटी हायर द एब्जॉर्प्शन। यानी ऐसी ड्रग जिनकी पार्टीशन कोफिशिएंट ज्यादा है वो ज्यादा लिपोफिलिक होंगी और ज्यादा लिपोफिलिक ड्रग्स ज्यादा एब्जॉर्ब होती हैं। ड्रग्स जिनका पार्टीशन कोफिशिएंट हाई होता है बॉडी में इजीली डिफ्यूज होकर बेटर फार्माकोलॉजिकल एक्शंस शो करती हैं। जितना ज्यादा पार्टीशन कोफिशिएंट होगा उतनी एफिकेसी से ड्रग बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है। हाई लिपोफिलिक ड्रग्स कैन इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड इन लिपिड बाई लेयर्स, जबकि हाइड्रोफिलिक ड्रग्स यानी ऐसी ड्रग्स जिनका पार्टीशन कोफिशिएंट लो है
वो बॉडी के हाइड्रोफिलिक कंपार्टमेंट्स जैसे कि ब्लड है इसमें ज्यादा कंसेंट्रेशन में डिस्ट्रीब्यूट होगी। नाउ वी मूव टू अनदर प्रॉपर्टी दैट इज सॉल्युबिलिटी। किसी ड्रग मॉलिक्यूल की सॉल्युबिलिटी उसकी वह प्रॉपर्टी है जिसमें ड्रग मॉलिक्यूल्स किसी सॉलिड रूप से कन्वर्ट होकर लिक्विड सॉल्वेंट में कन्वर्ट होते हैं। किसी ड्रग की सॉल्युबिलिटी ये बताती है कि फिक्स टेम्परेचर, फिक्स पीएच और फिक्स प्रेशर पर किसी ड्रग का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए ड्रग का कितना अमाउंट यूज होगा। उस ड्रग के अमाउंट या वेट को ड्रग सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। किसी भी ड्रग की सॉल्युबिलिटी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि ड्रग को एब्जॉर्ब होने से पहले सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ता है और इसीलिए ड्रग की डिसोल्यूशन रेट ड्रग एब्जॉर्प्शन के लिए रेट लिमिटिंग फैक्टर होती है। क्योंकि ड्रग एब्जॉर्प्शन ड्रग का एक्शन ड्रग के डिसोल्यूशन पर डिपेंड करता है। ड्रग की सॉल्युबिलिटी बताने के लिए कुछ पैरामीटर डिसाइड किए गए हैं। इनके अकॉर्डिंग अगर ड्रग का एक पार्ट सॉल्वेंट के एक पार्ट में पूरी तरह डिसॉल्व हो जाता है तो ऐसी ड्रग को हाईली सॉल्युबल कहा जाता है। इसी तरह फ्रीली सॉल्युबल कहलाने के लिए जरूरी है कि ड्रग का एक पार्ट सॉल्वेंट के 1 to 10 पार्ट में डिसॉल्व हो जाए। ऑल पैरामीटर्स यू कैन सी इन द टेबल। ड्रग की सॉल्युबिलिटी और एब्जॉर्प्शन अफेक्टेड होती है फॉलोइंग फैक्टर्स से। ये फैक्टर हैं ड्रग की लिपोफिलिसिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पार्टीशन कोफिशियंट, ड्रग का सॉल्वेंट के साथ आयोनिक इंटरेक्शन, ड्रग मॉलिक्यूल्स का साइज और शेप, ड्रग डिसोसिएशन कांस्टेंट, ड्रग क्रिस्टल की लैटिस एनर्जी और मेल्टिंग पॉइंट। बायोफार्मास्यूटिक्स क्लासिफिकेशन सिस्टम यानी BCS के अकॉर्डिंग ड्रग की जो सॉल्युबिलिटी के आधार पर उसे 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्लास 1, इसमें हाईली सॉल्युबल एंड हाईली परमिएबल ड्रग्स आती हैं। इस तरह की जो ड्रग्स हैं ये इमीडिएट रिलीज फॉर्मुलेशन के लिए सुटेबल होती हैं जैसे प्रोप्रेनोलोल, लेबिटोलोल, एनालाप्रिल, डिल्टियाजम एक्सेट्रा। क्लास 2, इसमें लो सॉल्युबल बट हाई परमिएबल ड्रग्स आती हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी उनके एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करती है लाइक फ्लर्बीप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, फिनाइटोइन एक्सेट्रा। क्लास 3, इसमें हाई सॉल्युबल लो परमिएबल ड्रग्स आती हैं जिनका बायोलॉजिकल एक्शन डिपेंड करता है उनकी रेट लिमिटिंग प्रॉपर्टी परमिएबिलिटी पर। ड्रग्स ऑफ दिस कैटेगरी आर फेमोटिडिन, एटिनोलॉल, रेनिटिडिन, साइमेटिडिन एक्सेट्रा। क्लास 4, इसमें लो सॉल्युबल लो परमिएबल ड्रग्स आती हैं। दीज आर लेस सुटेबल फॉर ओरल ड्रग डिलीवरी लाइक कीटोप्रोफेन, फ्यूरेसिमाइड एक्सेट्रा। द MAD दैट इज मैक्सिमम एब्जॉर्बेबल डोज इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग दैट कैन बी एब्जॉर्ब एट सर्टेन डोज। The formula for calculating MAD is MAD equal to S, that is solubility, that is multiplied by KA, that is intestinal absorption rate constant, multiplied by SIWV, that is small intestine water volume, multiplied by SITT, that is small intestine transit time. तो इस फॉर्मूले से आप ये समझ सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी और एब्जॉर्प्शन एंड परमिएबिलिटी एक दूसरे से कैसे कनेक्ट रहते हैं एंड विच फाइनली अफेक्ट द ड्रग्स बायोलॉजिकल एक्शन। किसी ड्रग की सॉल्युबिलिटी को अल्टर कर सकते हैं बाय मेकिंग सम स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस इन ड्रग मॉलिक्यूल्स लाइक बाय एडिशन ऑफ आयोनाइजेबल ग्रुप्स, यानी ड्रग मॉलिक्यूल में ऐसे ग्रुप्स ऐड करना जो आयोनाइज हो जाते हैं जल्दी लाइक बेसिक अमीन्स और कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। सेकंड है बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स जिसकी वजह से एक्वस सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। बट यहाँ ये याद रखना होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ दूसरी प्रॉपर्टीज भी हैं जैसे कॉम्प्लेक्सेशन या
चीलेशियन वगैरह, तो इस वजह से आप ये नहीं कह सकते कि केवल हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और उसका बायोलॉजिकल एक्शन हमेशा बढ़ेगा ही। दूसरे फैक्टर्स हैं जो ड्रग्स की बायोलॉजिकल एक्शंस को अफेक्ट करते हैं। एडिशन ऑफ पोलर ग्रुप्स, सॉल्युबिलिटी जो है पोलर ग्रुप्स ऐड करने से बढ़ती है, लाइक ईस्टर एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की और उसके अफेक्ट की ड्रग के बायोलॉजिकल एक्शन पर। हाइड्रोजन बॉन्ड से सॉल्युबिलिटी अफेक्ट होती है और सॉल्युबिलिटी से एब्जॉर्प्शन एंड विच फर्दर अफेक्ट ड्रग्स बायोलॉजिकल एक्शन। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जिसमें एक हाइड्रोजन एटम होल्ड करता है या बाइंड करता है दो अदर मॉलिक्यूल्स को। हाइड्रोजन बॉन्ड यूजली फॉर्म्स बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड बनता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर ऐसे ग्रुप हैं जो जनरली हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं विद इन ड्रग मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होते हैं ड्रग सॉल्युबिलिटी, चीलेशन, ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग के लिए। ड्रग्स में दो तरह के हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो बनते हैं बिटवीन टू सेम और टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं विद इन सेम मॉलिक्यूल। इन ए जनरल वे हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करते हैं और इंक्रीज्ड वाटर सॉल्युबिलिटी मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए और रिसेप्टर से बाइंडिंग के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। इसे हम एग्जांपल से भी समझेंगे। यहाँ दो मॉलिक्यूल्स में कंपैरिजन है। पहला है 1-phenyl-3-methylpyrazolone जिसकी कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है, जबकि 1-phenyl-2-3-dimethylpyrazolone एक अच्छा एनाल्जेसिक एजेंट है। 1-phenyl-3-methylpyrazolone इंटरमॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से दूसरे सेम मॉलिक्यूल से जुड़कर एक लीनियर पॉलीमर बना लेता है, जिसकी वजह से इसका साइज बड़ा हो जाता है और सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, और सॉल्युबिलिटी कम होने से इसका बायोलॉजिकल एक्शन भी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि लार्ज कॉम्प्लेक्सेशन की वजह से ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। दूसरा एग्जाम्पल है सैलिसिलिक एसिड का। सैलिसिलिक एसिड की ऑर्थो एंड पैरा फॉर्म के बीच में ऑर्थो फॉर्म पोटेंट एंटी बैक्टीरियल एक्शन शो करती है एज कंपेयर टू द पैरा एंड मेटा फॉर्म। ऑर्थो फॉर्म इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती है, जिसकी वजह से इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी तो कम हो जाती है बट इसका पार्टीशन कोफिशियंट बढ़ जाता है, और इसी वजह से ये ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है और ज़्यादा बायोलॉजिकल एक्शन शो करता है। तो दीज आर सम फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज जो ड्रग के बायोलॉजिकल एक्शन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट सम मोर फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू द बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।